भारत एक कृषि प्रधान देश है और कृषि क्षेत्र के लिए सरकारों ने क्या किया और किसान आज किन समस्याओं से गुजर रहे हैं, आज की हमारी चर्चा इसी विषय से जुड़ी हुई है। साथ ही हम आपको बताएंगे कि इस बार के विधानसभा चुनाव में गुटबाजी कितना असर देखने को मिलेगा। इन्हीं सवालों का जवाब जानने के लिए आज की हमारी चर्चा है, तो आइए हम देखते हैं हमारे संवाददाता दिनेश दसौंधी के साथ यह विशेष रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूँ दिनेश दसौंधी। एक बार फिर हाजिर हूँ जनता की बात के साथ। हमारे देश में लोकतंत्र तथा लोकतंत्र की सबसे बड़ी खासियत यह है कि 5 साल में हर चुनाव में जनता को जनार्दन यानी भगवान बनने का अवसर मिलता है। वे बड़े नेता जिनसे मिलने के लिए जनता को समय लेना पड़ता है, वे सभी बड़े नेता अपनी बातों अपनी वादों के साथ जनता के बीच उतरते हैं। हम जनता की बात में हर उस सवाल का जवाब जानने की कोशिश कर रहे हैं जिन्हें जनता जानना चाहती है, और आज भी हम ऐसे ही विषयों पर चर्चा करेंगे। चर्चा की शुरुआत करें उसके पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ व्यक्ति विचार व्यक्ति के अपने व्यक्तिगत विचार हैं, जिससे हमारा चैनल को इत्तफाक नहीं रखता है। हम यहाँ किसी जाति वर्ग संगठन राजनीतिक दल और व्यक्ति विशेष का समर्थन नहीं करते हैं और न ही किसी का विरोध करते हैं। हम चर्चा की शुरुआत करें उसके पहले मैं आपको बता दूं कि आप हमारे इस कार्यक्रम को डिजाइना विजन न्यूज केबल के माध्यम से देख सकते हैं, साथ ही इसको YouTube के माध्यम से देख सकते हैं। SW24 मध्य प्रदेश चैनल पर YouTube चैनल पर इस कार्यक्रम को आप देख सकते हैं। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि हमारी इन चर्चाओं के साथ आपको देश दुनिया की खबरें मिलती रहें। साथ ही आप कमेंट बॉक्स में अपनी कमेंट्स अपनी राय और अपने प्रश्न हमें भेज सकते हैं। तो आइए हम चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे भारत में एक नारा बहुत पहले चला था, जय जवान जय किसान। आज किसानों के मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कांग्रेस की ओर से जुड़ रहे हैं गोविंद पाटीदार जी और बनिहार से बीजेपी की ओर से जुड़ रहे हैं राजेश पाटीदार। उनसे हम चर्चा करेंगे और जानेंगे किसानों के मुद्दे पर। गोविंद जी, अभी किसानों को लेकर के कहा जाता है कि कई तरह की समस्याएं चल रही, किसानों की क्या समस्याएं हैं? किसानों की बहुत सारी समस्या है। जो मोदी जी ने बोला था कि 2023 तक दोगुनी आय कर देंगे, और पानी का मुद्दे कोई समस्या करने का बोला था, वो भी धरातल पर भी दिख नहीं रहा प्रकट होते हुए, और दोगुनी आय किसान की हुई नहीं, और भाव के बारे में जो बोला था वो भी बराबर भाव नहीं मिल रहे हैं। किसान कुछ मिला कर तो मतलब किसान कांग्रेस ने कर्ज माफ़ी का जो वादा किया था वो कर्ज माफ़ी कर रही थी, लेकिन इन लोगों ने बीच में सरकार गिरा दी, इस वजह से किसान की कर्ज माफ़ी नहीं हुई। अगर कर्ज माफ़ी हो जाती किसान और भी तरक्की करता और अपनी भाजपा तो कहती है उन्होंने किसानों के लिए बहुत कुछ किया है, 2000 रुपये सम्मान निधि के भी दे रहे हैं। वो 2000 सम्मान निधि के जो दे रहे हैं वो भी मतलब समय अनुसार नहीं आ रहे, कभी कभी आते कभी कभी नहीं आ रहे हैं। पर उनसे कुछ तो सहारा किसानों को मिल रहा है? सहारा मिल रहा है, लेकिन उससे ज़्यादा तो महंगाई हो गई ना भाई। महंगाई बढ़ती जा रही है और उसको रेट नहीं मिल रहे काश्तकारों को। राजेश जी, गोविंद जी का कहना है किसानों का कर्ज माफ़ी कर रहे थे वो लोग, आप लोगों ने उनका किसानों का कर्ज माफ़ी का हक छीन लिया, भाजपा ने किसानों के लिए कुछ भी नहीं किया। कांग्रेस पार्टी हमेशा से झूठ बोलती आई है, वो बोलेगी। आज भारतीय जनता पार्टी ने क्या नहीं किया जो बोल रहे महंगाई की? आज 3000 रुपये कुंटल हम सोयाबीन बेच रहे थे, आज 6000 रुपये कुंटल है। डबल आय भी तो है किसान की, और पानी की बात बता रहे, पानी इतना है, पानी की आप जाओ किधर भी खेतों में सब दूर देख लो पानी कितना है। ये झूठ बोलने का काम करती है बीजेपी, झूठ बोलने का काम नहीं करती है बीजेपी, झूठ बोलने का काम नहीं करती। तो किसानों के लिए बीजेपी ने ऐसे कौन से काम किए हैं जो आपने काम किए? अभी हमारे मामा ने ये हमारी बहनों को 1000 रुपये उनके खाते में डालने का बोला। कोई अपने घर से 100 रुपये नहीं देता अपनी बहन को कि जा 100 रुपये तेरे को 200 रुपये देता हूँ। ये 1000 रुपये भी छोड़ो, इसके बाद में बच्चे होते हैं उसमें उन्होंने कितने देते हैं मेरे को, वो भी तुमने जो कि भाई यहाँ पर राजेश भाई आओ, मैं तो अभी आज तक माइक के सामने नहीं आया, बाकी मेरे को आना पड़ा आज कि हमारी इतनी कुछ योजना है और ये चूतिया बनाते हैं गांव में जाके लोगों को बहलाना फुसलाना नेगेटिव। हमारे कांग्रेस कहती है महिलाओं को 1500 रुपये दे दी, तो आपके दे दो, कल से चालू कर दो महिलाओं को, तुमको दिक्कत क्या है? कल से चालू कर दो, महिला तुमको वोट देगी। सरकार बनाने की बात करते हो, इतनी योजना दी है किसानों को, क्या खेत में क्या यंत्र लेना है वो ले लो, 10 करोड़ का लोन ले लो, 10 लाख का ले लो, भैंस पे ले लो, किस पे, बकरी पे ले लो, कुकड़ी पे ले लो। लोन देती है सरकार? सरकार लोन देती है। अगर तुमको अगर कोई रोकता है, अगर कोई जाकर कर्मचारी रोकता है तो हमको आकर कार्यकर्ता को बताओ कि ये मंत्री और ये सरपंच हमारा काम नहीं कर रहा।
आपके का एक कार्यकर्ता ने सीधी में एक आदिवासी के ऊपर पेशाब कर दी तो ये, अरे भाई छोटी मोटी बातें अभी ये छोटी मोटी बातें लेके ये चला करते हैं, क्या करना, नए छोरे मोबाइल चलाते ये करते हैं, क्या करना। पार्टी कोई गलत काम करती हो तो बताओ तुम, पार्टी ने बहुत अच्छे काम, पार्टी ने आज महाराष्ट्र में हमारी बैल जोड़ी जा रही है 1,00,000 रुपये, 1,10,000 की, 1,20,000 की भेज बिक रही है 1,00,000 रुपये की, पालना चाहिए, दे रही हुआ सरकार लोन दे रही है तुमको, लाओ। गोविंद जी ने एक बात कही कि किसान सम्मान निधि के पैसे समय पर नहीं आते हैं। अरे सम्मान सबको मिल रहे, 2,000 रुपये जो भी डाल रहे सालाना के, 6,000 रुपये मोदी जी डाल रहे, मोदी जी बब्बर शेर है, बजरंग बली है पार्टी के, आज कितना कुछ करेंगे वो। गोविंद जी बजरंग बली बता रहे हैं मोदी जी को, पार्टी के लिए और देश के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं भाई, बजरंग बली है बीजेपी के लिए। तो ये तमिलनाडु में चुनाव कैसे हार गए, इन्होंने भी वहाँ बहुत सारी रैलियाँ की थी जिसके बावजूद भी चुनाव, कर्नाटक। हमारा कहना मतलब वो भले ही बजरंग बली माना करे, हम तो नहीं मानते। आपने तो बजरंग बली की जयकार लगाई थी, आप भी तो हिंदुत्व के मुद्दे को लेकर चलने लगे। वहाँ पर बजरंग बली जो बजरंग दल था उन्होंने कांग्रेस का साथ दिया था, इसलिए हमने बजरंग बली की जयकार लगाई थी। हिंदू संगठन तो हमेशा से भाजपा का साथ देते थे, फिर बजरंग दल ने आपका साथ क्यों दिया? ये बीजेपी वालों ने उनके साथ में जो खिलवाड़ किया था इस वजह से उन्होंने हमारा साथ दिया, बीजेपी वालों ने उनसे खिलवाड़ किया था। एक सबसे बड़ा मुद्दा रहता है हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में, हम देखते हैं कि महंगाई पर अक्सर बात होती है, गैस टंकी के ऊपर बात करते हैं। आप लोगों ने घोषणा की 500 रुपये में गैस टंकी देने की, तो क्या आप इस वादे को ज़मीन पर उतार पाएंगे? बिल्कुल, हमारी सरकार बनी तो बकायदा हम 500 रुपये टंकी हर महिला या हर गैस सिलेंडर वाले कनेक्शनधारी को देंगे, कनेक्शनधारी को 500 रुपये में गैस टंकी देंगे। और सरकार के ऊपर जो अतिरिक्त बोझ पड़ेगा उसका क्या होगा? उसके लिए सरकार व्यवस्था करेगी, जो भी बैठेंगे सरकार व्यवस्था करेगी। कमलनाथ जी कहते हैं कि उन्होंने किसानों की कर्ज माफ़ी का काम शुरू कर दिया था लेकिन भाजपा ने सरकार गिरा दी, इस पे क्या कहेंगे? उस पे ये बोलना, हमारा ये कहना ये है कि अगर वापस कांग्रेस की सरकार बैठती है तो कर्ज माफ़ी वापस काश्तकारों की करेंगे, वो मतलब जो बोल दिया है वो करके दिखाएंगे। खरगोन में आप, खरगोन विधानसभा को लेकर हम हमेशा चर्चा करते रहे और जानते रहते हैं, लोगों से पूछते रहते हैं, जिनसे भी मिलते हैं पूछते हैं कि भाई खरगोन में आप किसको पहली पसंद देखते हो विधायक के रूप में? हम, हमारी पसंद तो रवि जोशी है, रवि जोशी जी मिल जाते हैं, मृदुभाषी है जाए, जिससे बच्चे से भी बात कर लेते हैं, इसलिए हम तो। आपके गांव में कुछ रवि जोशी जी ने कुछ काम किए हैं? बिल्कुल किए हैं। क्या काम किए आपके, उनको क्या क्या दिया है? शमशान घाट को 5,00,000 रुपये दिए, रंजे दिए हुए हैं, भोज वगैरह दिए हैं, बहुत सारे कार्य किए उन्होंने और धर्म से भी जुड़े हुए हैं, जो हमेशा देते रहते हैं और समय पर आते हैं। अच्छा, तो इस बार आपको लगता है रवि जोशी सीट निकाल पाएंगे, जीत पाएंगे? अब ये तो समय बता गया, ये अपन नहीं कह सकते। फिर भी आप एक कांग्रेस कार्यकर्ता हो तो आपको क्या लगता है कि कांग्रेस, मैं मेरी ओर से तो पूरी कोशिश है कि वो निकल जाए, निकल जाएंगे, जीत जाएंगे, बढ़िया है। आप खरगोन में विधानसभा में किसको पहली पसंद मानते हैं भाजपा की तरफ से? आप मतलब दावेदारी का यदि बात करें तो किसको मानेंगे, किसको टिकट देना चाहिए पार्टी? मेरा तो ये कहना है कि हमारी पार्टी में जो 5 जन मांग रहे टिकट, हर पार्टी में मांगते हैं, अच्छा, तो सभी हमारे लिए अच्छे हैं, हम ये निंदा करने के लिए नहीं बैठे हैं। बाकी मैं तो ये कह रहा हूँ कि सब एक से एक योद्धा है हमारी पार्टी में, सब एक से एक योद्धा है, पर ऐसा भी है कि एक दूसरे को हराने के लिए भी बैठे रहते हैं। अरे एक दूसरे को हराने के लिए बालकृष्ण पाटीदार है हमारी, हमारे हमारे वरिष्ठ है वो, हमारे समाज के है वो, हम ये नहीं कहते कि भाई समाज की बात करेंगे, तुम बोलोगे समाज पर उतर रहे हो, बात ये बाकी है। बालकृष्ण पाटीदार है, बालकृष्ण पाटीदार जी ने ऐसे कौन से काम किए हैं जो आप उनको पहली पसंद के रूप में देखते हैं? भाई हमारा पाटीदारों का काम भी हुआ और धर्मशालाओं का काम हुआ गाँव का, और क्या काम किया उन्होंने? उन्होंने वो अच्छे काम और भी किए। एक बार अभी पिछले दिनों मैंने चर्चा की थी अजय जी से, तो उन्होंने कहा कि पिपरी तालाब, आप बीजेपी वाले बोलते हो कि पिपरी तालाब हमारी देन है, कांग्रेस कहती है कि हमारी देन है, आखिर में पिपरी तालाब देन किसकी? अरे बीजेपी की है पिपरी तालाब देन, और इस बार उनको जाके उनको भी सब गाँव में जाके समझाएंगे और पिपरी वालों को भी समझाएंगे और जो पानी चला रहा उनको भी मालूम है कि किसकी देन है। अच्छा पिपरी मतलब इनसे गांव में, एक कांग्रेस वालों से गांव में तो पानी की पूर्ति नहीं होएगी तो ये तालाब क्या बना देंगे? गोविंद जी बीजेपी की ओर से लग रहा आरोप लग रहा है कि कांग्रेस से गांव में पानी नहीं जाता तो इतना बड़ा तालाब कैसे बना देंगे? भाई इससे पहले जब बीजेपी सरकार अभी 15 साल से आई है, इसके पहले पानी पीते थे कि लोग पैसे मरते थे, पानी की व्यवस्था थी कि नहीं थी? बड़ी बड़ी बातें करने को बोल दो इनको, बीजेपी बड़ी बड़ी बातें करती है, हाँ
घोषणाएं करने का बोल दो। कांग्रेस ने ऐसा कौन सा काम किया धरातल पे, कोई मुख्य काम व्यक्तिगत ऐसा बता दे कि ये काम हमने करके किया है। ये लोग तो बोलते हैं कि पिपली तालाब हमने बनाया है। जितने भी तालाब हैं उतने कांग्रेस की देन है। आज तक नई योजना का शुभारंभ मेरे को दिखा दे बीजेपी वाले, तो मैं मानता हूँ कि बीजेपी वाले काम कर रहे हैं। आप मध्य प्रदेश में किसको किसकी सरकार बनती देख रहे हैं कांग्रेस कार्यकर्ता होने के नाते? आपको क्या लगता है बन रही है और कांग्रेस की सरकार बन रही है? कांग्रेस की सरकार बन रही है, कांग्रेस इस बार सरकार बना लेगी। राजेश जी, गोविंद जी कह रहे हैं कांग्रेस की सरकार बन रही है। अरे कांग्रेस की सरकार बनेगी, पूरे बीजेपी के झंडे गड़ेंगे और सरकार भी उसी की बनेगी और मामा बनेगा, मामा शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री बनेगा। खरगोन के अंदर एक से एक योद्धा है। अच्छा, कहीं ऐसा ना हो जाए कि खरगोन के एक से एक। अरे ये फूट डालने की बात खत्म हो जाएगी। हमारे लिए सब अच्छे है, हमारे लिए राजेन भाई भी अच्छा है, रंजीत भाई भी अच्छा है, प्रकाश बहू भी अच्छा है, कल्याण सेठ भी अच्छा है, एक से योग योद्धा है और सब योद्धा मिल के काम करेंगे। आपके टिकट देना किसी का काम नहीं हो तो पार्टी देगी नहीं, आपके लिए अच्छा है लेकिन एक दूसरे के लिए वो अच्छे। अरे एक दूसरे उनकी जो दरार है उसको हम एकत्रित करेंगे, जो एकत्रित करेंगे उनको कि भैया अपना भैया उधर भटक रहे, चला भाई तेरा क्या नहीं काम हो रहा, अपने सब एक है, अपन एक ताकत से लड़ेंगे हम। मतलब आप गुटबाजी से इनकार? नहीं, गुटबाजी से इनकार है, कोई हवा गुटबाजी नहीं है, कोई गांवों में भी किधर भी नहीं है झूठ बोलने की हवा है। कांग्रेस झूठ बोलती है नहीं, कांग्रेस नहीं, बीजेपी में पिछले बार बालकृष्ण पाटीदार के हारने का सबसे बड़ा कारण। नहीं नहीं नहीं, कोई ऐसी बात नहीं देती, हो जाता है कभी कभी ऐसा, कोई बाकी कुछ भी नहीं। ये हमारी आज की विशेष चर्चा थी और जिसमें हमने ऊन के गोविंद भाई पाटीदार और बनिहार के राजेश भाई पटेल से उनके विचार जाने और बहुत ही बेबाकी से इन दोनों ने विचार रखे हैं और हमारे साथ जुड़े, ये बहुत अच्छी बात है। दोनों ही किसान हैं और किसानों के मुद्दों पर भी इन्होंने चर्चा की। आगे एक ऐसी रिपोर्ट के साथ फिर से हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। कैमरा पर्सन दुर्गेश कुमार के साथ दिनेश दसौंधी, SW24 ऊन। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।